लेकिन अभी टिकट ही लेके जाएगा यार, तो बिना मतलब पार्टी के आदमी हो क्या हो? बस यहाँ अपनी बात कर रही है, बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब खुद बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बामनवास से जिस राजेंद्र को टिकट दिया है वो साल 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं, और इससे पहले राजेंद्र के पिता कुंजीलाल मीणा बामनवास से 1977 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह वंशवाद नहीं तो क्या है। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर विरोध दर्ज करने आए लोगों का कहना था कि क्या टिकट पर एक ही परिवार ने ठेका ले रखा है। वंशवाद को खत्म करने की बात कहने वाली बीजेपी नेता खुद वंशवाद क्यों पनपा रहे हैं? तीसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को टिकट देने कि आखिर क्या वजह रही? ऐसे में आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा को पार्टी कार्यालय में घेर लिया और वंशवाद खत्म करो के जमकर नारे लगाए। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ और कार्यकर्ताओं में तीखी बहस भी हुई। तुम विचार ही नहीं करना तो क्या है? माता जी को ले, रामावतार की माता को ले भाग गया तुम, इसीलिए कार्यकर्ता वही तो क्या है? चलो भाई बाहर आ जाओ, भाई बाहर आ जाओ। तुम क्या करोगे? पार्टी का भविष्य तुम ही तय करोगे, तुम ही ललकारोगे, हम ही ललकारोगे, कांग्रेस को थोड़ी ललकारोगे। अभी टिकट ही लेके जाएगा यार, बात बिना मतलब पार्टी के आदमी हो क्या हो? पचास साल से वंशवाद चल रहा है सर, बीजेपी ने एक पूरा खत्म नहीं बनाया। सुनो कार्यकर्ता आ जाओ, आपसे सुन लिए, आपके सुन लिए विचार करेंगे, आ जाओ चलो चलो आ जाओ पीछे तो मूवमेंट दिख रहा है ना, वो चीज निकाल लो यार। अरे चलो चलो मैं चलो, नहीं हम तो जाने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूँ आपको, मैं इतना फायदा नहीं, इतना नुकसान, तुम उसका भला नहीं, नुकसान चाह रहे हो तो मैं मर गया यार, जैसा तुम चाहो जैसा करो। विचार करो, हम यार डेरा देने नहीं आए, हम हमारी बात रखेंगे। नहीं चलेगा।